जी हाँ, घर के बदले वोट। बहुत स्वागत है आप सभी का, मैं हूं जब्बार खान। दिन की बड़ी बहस के साथ हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों और सरकारों के साथ क्या ये विडंबना है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो उससे पहले कोई एक ऐसी बड़ी घोषणा की जाती है जिसके बुनियाद पर जनता का विश्वास पूर्ण रूप से जीतने की कोशिश की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बेसहारा लोगों के लिए, बेघर लोगों के लिए 2015 में एक अनाउंसमेंट किया कि 2022 से पहले पहले सभी को घर दे दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनता के लिए, वहां के लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, बेघर लोगों के लिए आज पीएम मोदी ने करीब 6 लाख लोगों के अकाउंट में पैसे डाले, जिसमें से ज्यादातर को, करीब 5.5 लाख लोगों को पहली किस्त उनके खातों में आज डाली गई। विपक्ष ने यह कहना शुरू कर दिया कि साहब 2022 का विधानसभा चुनाव और उससे पहले पंचायत के चुनाव और उससे पहले पीएम मोदी की यह सौगात दरअसल चुनावी रिश्वत है। ये हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या सत्ता पक्ष इसका माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है या विपक्ष के ये आरोप कि यह चुनावी रिश्वत है, इसमें कोई दम है? और 2022 से पहले घर देने की जो योजना थी, अभी तक उस पर बड़े स्तर पर काम क्यों नहीं हो पाया, इन्हीं पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले कि अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराएं, आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर क्या कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, वो आपको सुनवा देते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये घर ऐसे परिवारों को मिल रहे हैं जिनके पास अपना पक्का घर नहीं था, जो झोपड़ी में, कच्चे मकान में या टूटे फूटे खंडहर में रहते थे। इनमें गांव के सामान्य कारीगर हैं, हमारे दहाड़ी मजदूर हैं, हमारे खेत मजदूर हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ गांवों में रहने वाले उन छोटे किसानों को भी मिल रहा है जिनके पास बीघे दो बीघे जमीन होती है। हमारे देश में बड़ी संख्या में भूमिहीन किसान भी हैं जो किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती रही, ये अपनी मेहनत से देश का पेट भरते रहे, लेकिन अपने लिए पक्के मकान और छत का इंतजाम नहीं कर पाते। आज ऐसे सभी परिवारों की पहचान करके भी उन्हें इस योजना से जोड़ा जा रहा है। यानी 6,10,000 लाभार्थी एक साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की एक साथ लगभग 2690 करोड़ रुपए की इस बड़ी राशि ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक के लिए सिर ढकने के लिए आवास की इस योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने हर गरीब के सामने आवास के सपने को साकार किया है। आज हर गांव में हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास देखने को मिलता है, और यही नहीं, शहरी क्षेत्र में भी हम किसी भी मोहल्ले में जाते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भी वहां पर हमें देखने को मिलता है। जाहिर तौर पर यह एक बड़ी योजना है और इस योजना के माध्यम से उन गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध करा रहा है, मगर इसकी टाइमिंग को लेकर के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इसे चुनावी रुश्वत बता रही है, सुनिए। जिस अवस्था में समाजवादी सरकार में कुछ काम छूट गए थे वो जस के तस आज भी पड़े हुए हैं। इससे एक ही चीज तो समझ में आती है कि जो काम अधूरे थे वो आज तक पूरे नहीं हुए, तो उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार किस बात का दावा पेश कर रही है? मैं यही तो दोहराना चाहता हूँ, देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ रही है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को गुमराह करने का काम किया, इसके अलावा और कुछ नहीं। माननीय मोदी जी, ये आपके जो ढकोसले हैं कि चुनाव से जैसे ही शुरू होने वाले होते हैं आप कभी उनके अकाउंट में पैसा डाल देते हो, कभी संवाद कर रहे होते हो, कभी आवास योजना के पैसे डाल देते हो, ये सब अब नहीं चलेगा क्योंकि सबको पता है अभी जैसे ही चुनाव खत्म होंगे डीजल कहां होगा, इलेक्ट्रिक के रेट कहां होंगे। आज किसान दिल्ली में सड़कों पे सर्दियों में मर रहे हैं, लेकिन उनसे बात करने का आपके पास समय नहीं है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों को आपने सुना, और ऐसे में विपक्ष जिस बात का जिक्र कर रहा है कि साहब मार्च के महीने में पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं,
फरवरी के महीने में इसकी अधिसूचना हो जाएगी। जनवरी के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी पहली किस्त डाल रहे हैं 5.5 लाख लोगों के खातों के अंदर। इसे क्यों ना कहा जाए कि जनता के वोट को लेने का एक तरीका है चुनावी मैदान के अंदर, पंचायती चुनाव के अंदर, क्योंकि बीजेपी इस बार जिस तरीके से पंचायती चुनाव को लेकर के तैयारियों में जुटी है ताकि ग्राम स्तर पर, ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का संगठन और मजबूत हो, और इसीलिए कहीं ना कहीं विपक्ष इससे तिलमिलाया हुआ है। हालांकि ये सरकारी स्कीम है, केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, और इससे पहले आपको याद होगा इंदिरा आवास योजना के तहत लोगों को मकान मिला करते थे, मगर विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी जी ने दरअसल उन तमाम योजनाओं का नाम तो बदला ही, मगर उसको अपने तरीके से, अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चर्चा दरअसल इसी बात को लेकर के कर रहे हैं कि क्या ये चुनाव के वक्त के ठीक पहले इस खाते में राशियों को डाला जाना, और जबकि अधिसूचना का इंतजार प्रदेश की जनता कर रही है, वो ग्राम प्रधान कर रहे हैं जिनके अधिकार को छीन लिया गया है कुछ वक्त के लिए, क्योंकि 24 दिसंबर को एक अधिसूचना सरकार ने जारी किया जिसमें ग्राम प्रधानों के अधिकार को छीन करके जो विकास के अधिकारी हैं उनके हाथ में उनका राइट दे दिया है। उसके खिलाफ में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन भी दाखिल की गई है कि आखिर चुनाव अगर नहीं हो सका वक्त पर तो इसमें हमारी गलती क्या है, चुनाव आयोग सरकार इसको देखती और ऐसे में हमारे अधिकार क्यों छीने गए। सारे खास मेहमान हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे कराते थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता गुलरेज शेख साहब हमारे साथ में है, स्वागत है सर आपका। साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता ओंकार नाथ जी हैं, स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विभा शुक्ला जी हैं, आपका स्वागत है मैडम। साथ में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर नम्रता नारायण जी हैं, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत में गुलरेज शेख जी आपसे करना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी एक ऐलान करते हैं 2015 में, 2018 के बजट को पेश करते हुए उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ये कहते हैं कि 2022 से पहले पहले हम इस योजनाओं को पूरा कर देंगे, मगर 2021 चल रहा है, पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, अभी तक कितना कार्य इस पर हुआ, बीच में 6 वर्षों तक तो कोई काम दिखता नहीं उस स्तर पर जिसका आप दावा कर सकते थे, तो आज विपक्ष के आरोपों को कैसे खारिज करेंगे आप? नहीं, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो आरोप लगा रहे, हमारा काम है काम करना, हम काम कर रहे हैं। देखिए जो डाटा उपलब्ध है जिन जिन प्रांतों में कितने कितने मकान बनाए गए, कितनी पक्की छतें दी गई, ये सब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट है, आप वेबसाइट खोल के देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। और जहां तक बात है चुनावों की, इस देश में हमेशा साल भर चुनाव चलते रहते हैं, एक प्रांत में खत्म होते हैं दूसरे में चालू हो जाते हैं। लेकिन यदि मैं आपको थोड़ा सा इसके गुलरेज शेख जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, लेकिन सवाल ये है कि अधिसूचना पंचायती चुनाव की जारी ही होने वाली है अगले कुछ ही दिनों में, फरवरी की शुरुआत में हो सकता है जारी हो जाए, मार्च में चुनाव होने, ऐसे में पहली किस्त के तौर पर अगर 6 लाख लोगों के खाते में पैसे डाले जा रहे, तो बीते 6 वर्षों में तो यही देखा जाएगा ना कि केंद्र सरकार ने इस योजना के प्रति उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों के लिए कुछ नहीं किया। देखिए इन ये जो चुनाव हैं उसके साथ में दूसरे भी चुनावों की तारीखें घोषित हो सकती हैं, पश्चिम बंगाल की भी हो सकती है। यदि हमको चुनाव जीतने के लिए पैसा डालना था तो पश्चिम बंगाल में डालते, डेफिनेटली आप मान के चले पूरे मध्य प्रदेश के नगर निगम के चुनाव भी उसके साथ होंगे तो हम मध्य प्रदेश में भी डाल सकते थे। सरकारें जो है ना ये इंस्टिंक्टिव और इम्पल्सिव नहीं चलती है, पहले से पूरा प्रारूप बना रहता है, पहले ठीक है सॉर्टिंग की जाती है, ठीक है। मैं एक एक कॉमेंट ले लूं उसके बाद में आप लोगों की तरफ आता, मैं एक एक कमेंट ले लूं। ऐसे में ओंकार नाथ जी, ये जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं गुलरेज शेख जी, क्या उन बातों में सच्चाई नहीं है कि चुनाव तो हर करीबन हर 6 महीने पर होते रहते हैं, ऐसे में आपके आरोप तो हमेशा लगते रहेंगे, इसका मतलब सरकार चुपचाप बैठ जाए? पहले तो जवाहर भाई आप इस चीज को जान लें कि ये कोई नई योजना नहीं है जो प्रधानमंत्री जी लाए हैं और पहली बार पहले किस्त देने जा रहे हैं। ये 1985-86 में इंदिरा आवास के नाम से मैंने उसका जिक्र किया जी, इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने उसका जिक्र किया जी। तब से बराबर काम हो रहा है, और इनके समय में भी जो धांधली इसमें हो रही है, ये समझ रहे हैं कि मैंने ये आवास योजना को अनाउंस कर दिया और उससे बहुत बड़ा काम हो जा रहा है, तो अब जरा एक छोटा सा आपको दे रहा हूँ, 1 सेकंड लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-20 सेकंड दे दीजिएगा आपको। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऊर्जा कार्यालय की ओर से पात्रों का चयन किया गया और चयन करके उनको राशि दी गई।
201 लोग ऐसे हैं उसमें जिन्होंने पहली और दूसरी किस्त ले ली है और मकान बनाना शुरू नहीं किया है, और सरकार परेशान है और कराना चाह रही, करा नहीं पा रही है। और मैं आपको विवरण दे रहा हूँ आजमगढ़ का। आजमगढ़ नगर पालिका में पहली किस्त 15 लोगों ने ली, दूसरी 29 ने ली। मुबारकपुर में पहली 4 ने ली, दूसरी 8 ने ली। अतरौलिया में 2 ने ली, एक दो पहली किस्त और एक दूसरी किस्त। अजबतगढ़ में 6 और 6। जीएनपुर में 2 और 15। लालगंज में 11 और 2। महाराजगंज में 3 और 2। माहुल में 10 और 27। मेहनगर में 2 और 3। निजामाबाद में 2 और 16। फूलपुर में 1। सरायमीर में 3 और 12। यही नहीं है, हमीरपुर में इन्होंने क्या किया, जो लाभार्थी थे जिनको पैसा मिलना चाहिए था उनका पैसा, जिनको नहीं मिलना चाहिए तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। वहां जो ग्राम सचिव है उसको बाकायदे उसको सस्पेंड किया गया है। बीजीओ के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, बीजीओ के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, और वहां पर वो देख रहे हैं ये भ्रष्टाचार बन रहा है। प्रतापगढ़ में अभी तक नंबर नहीं आ पाए। सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, मेरा बोल लीजिएगा। प्रतापगढ़ में 2,32,000 लोग अभी लाइन में खड़े हैं जिनको नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार के ऊपर कोई भी कुछ भी लाइन छेद लगा, ये सब आपकी सरकार का काम है। सरकार का लाइन छेद नहीं लगा सकता, ये खाली ठोक के बोलता हूँ मैं। जब तक के आप प्रूफ सामने नहीं रखोगे, नामजद नहीं रखोगे, भाई जी छाती मत ठोको। अमर उजाला की न्यूज में पढ़ के सुना रहा हूँ, छाती मत ठोको। छाती ठोको तब जब इसका निराकरण कर लो। 22,000 लोग आवास के लिए बैठे हुए हैं। अब सुन लीजिए आप, आपने एक क्रेडिट फिक्स योजना बना रखी है, उसमें आपने कह रखा है कि हम लोन देंगे। लोगों ने साहूकारों से लेके मध्य प्रदेश से मकान बना लिए और अभी तक उनको नहीं मिला। ठीक है, ठीक है, आपका सारा विश्लेषण ओंकारनाथ जी, गुलेश्वर जी एक सेकंड, गुलेश्वर जी एक सेकंड, एक सेकंड में आ रहा हूं आपकी तरफ। गुलेश्वर जी ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी कटकट के आ रही है, साहब उसको करवाने की कोशिश कर रहे हैं। गुलेश्वर जी एक सेकंड रुकिएगा, गुलेश्वर जी रुकिएगा, ओंकारनाथ जी सवाल उस बात का नहीं, हम उस पर भी आएंगे कि योजनाएं किस तरीके से जमीनी स्तर पर दिख रही हैं, वो काम कैसे कर रही हैं, कहां कहां मिला और काम हुआ नहीं है, पैसे कैसे दिए गए। मगर ओंकारनाथ जी इस बात का आरोप ये कैसे लगा सकते हैं कि अगर पीएम ने उनके खातों में पैसे डाले तो सिर्फ चुनावी मौसम को देखते हुए चुनावी तौर पर ये रिश्वत है? क्या इसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि ये जब भी कहीं चुनाव होता है तो कुछ न कुछ घोषणाएं शुरू करते हैं, जैसे बंगाल में इन्होंने किया, बंगाल में भी किया है, बंगाल में नेताजी का वो मनाने जा रहे हैं पर्व, अभी तक नहीं मना रहे थे, चुनाव हो रहा है तो पर्व मनाने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं कह रही हूं वो काम करते हैं जहां पे ठीक है, एक एक करके आप लोग बोलेंगे तो आप दोनों की आवाज साफ आएगी और ऐसे में जनता को कुछ मिल सकेगा, क्योंकि प्रदेश की जनता दरअसल समझना चाहती है, क्योंकि आप सभी पार्टियों के लोग जो प्रवक्ता यहां पर बैठे हुए, चाहे वो गुलेश शेख हो, ओंकारनाथ जी हो या विभा शुक्ला जी हो, जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में आप लोग जोर आजमाइश करने जा रहे हैं, बहुत कम वक्त बचा हुआ है, और ऐसे में जनता आज आप लोगों की बातों को दरअसल टटोलना चाहती है कि चल क्या रहा, हो क्या रहा और उनको क्या चाहिए। विभा शुक्ला जी, ये जो स्थिति बनी है, प्रधानों के जो कार्यकाल हैं वो खत्म हो चुके हैं, चुनाव बिल्कुल सिर पर है, और ऐसे में आज पीएम मोदी ने उस योजना का विस्तार करते हुए अगर उनके खातों में पैसे डाले हैं लाभार्थियों के खाते में, तो इतनी तिलमिलाहट क्यों है? देखिए, बिल्कुल तिलमिलाहट नहीं है। मैं आपको कहूंगी, जो आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी लाभ उठाने के लिए ऐसा कर रही है, तो पूरी दुनिया जानती है और पूरा विश्व जानता है। मैं कहूँ देश का एक एक व्यक्ति जानता है, नौजवान, किसान, बेरोजगार की बीजेपी पार्टी ही व्यापारी वर्ग की है। ये केवल जनता के लाशों पे गुजर कर लाभ उठाने जाती है। आप कोरोना काल में आपने देखा किस तरीके से जो है इन्होंने जो है केवल चिकित्सा के नाम पर, अरे भाई बीजेपी के मेरे बड़े भाई जो है, मैं उनको देख नहीं पा रही, का इस्तेमाल कर रही है कि जनता की लाश पर राजनीति करती है। आप सोनिया गांधी की सुबह क्यों बोल रहे हैं? बहुत कम मौका था अभी तक सोनिया गांधी की सुबह क्यों बोल रहे हैं? जो पार्टी देश को स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते राजनीतिक लाभ लेती हो, वो ग्राम स्तर के चुनाव पे गरीब नौजवान किसान के खूनों पे, और मैं कहूंगी उनकी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ करके कैसे नहीं लाभ उठाएगी, वो पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश की एक एक जनता जानती है। आप क्या कांग्रेसी हैं?
कांग्रेस की जिम्मेदारी क्यों बोल रही हो मैडम? आपके चिल्लाने से नहीं, बोलना पीटिए जा रहे हो आप। नहीं ये बहुत बहुत ज्यादा लाश होए, बोलना पीटिए। 15,000 रुपया, 2,000 रुपया बांटते हैं, गैस बांटते हैं, उसके बाद जो गरीबों के घरों पर छत रहे हैं उसका नहीं है, जो किसान को सम्मान दीजिए आप मत रोना रोइए। क्या चाहते हो रानी को बुला लीजिए, पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम बढ़ चुके हैं, स्मृति ईरानी को बुलाइए पहले धरना देने के लिए। हम कब से स्मृति ईरानी को पूरा विपक्ष ढूंढ रहा है भाई, पार्टी के बारे में, जल्दी से पार्टी के बारे में, गरीब किसान और यहाँ की महिलाएं ढूंढ रही है। उज्ज्वला योजना के नाम पे जो ठगा था वो कहाँ धरना नहीं देंगी प्रधानमंत्री जी के सामने? एंकर महोदय मैं आपसे बोलता हूँ कि बोल रहे जी एक सेकंड रुकिएगा विदा शुक्ला जी, एक सेकंड रुकिएगा, जरा यहाँ पर रुकिएगा। गुलेश शेख जी आप भी रुक जाइए, आप दोनों लोग रुक जाइए। जाहिर तौर पर यहाँ पर आप लोग जो बातें रख रहे हैं आपके अपने तर्क हैं, आपकी अपनी भाषा है, ये आपको तय करना है कि आपके परिवार के लोग, देश के लोग, प्रदेश के लोग देख रहे हैं, बच्चों से लेकर के बड़े भैया हर कोई देख रहा है। आपको अपनी राजनीति तय करनी है, किस दिशा में ले जानी है, अच्छे और स्वास्थ्य अंदाज में या गलत तरीके से, ठीक है? स्वस्थ शब्दों का इस्तेमाल करना, बेहतर शब्दों का इस्तेमाल करना, ये क्या करना है? आरएनआई टीवी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आरएनआई टीवी आपकी जिम्मेदारी अपने सर नहीं लेता है। सवाल इस बात का है, सबसे बड़ी पार्टी को इस प्रकार से बात कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, मैंने इसलिए कहा कि बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रही है विदा शुक्ला जी, मगर न जाने कितने ऐसे शब्द रोजाना हम सियासत के गलियारों में देखते हैं और समझते हैं, किस किस तरीके से लोग बोलते हैं, ऐसे सियासी जुमले बोले जाते हैं, ठीक है? ठीक है विदा जी, विभा शुक्ला जी आपको आवाज आ रही है मेरी? विभा शुक्ला जी एक सेकंड खामोश रहिए, एक सेकंड। गुलरेश शेख जी आपको आपत्ति किस बात की है? आपकी बात रख दीजिए, विभा शुक्ला जी उसका जवाब देंगी। गुलरेश शेख जी नहीं, ये लाशों की बातें, ये इस प्रकार की बातें क्यों कर रही है? लाशों को ऊपर चलना ये सब बातें क्यों कर रही है? कसाई गए क्यों नहीं चले? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त पार्टी, एक राष्ट्रवादी पार्टी के विषय में सोनिया गांधी की जुबान का उपयोग क्यों कर रहे हैं? यही राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 22,000 से 23,000 लोग मारे जाएंगे। आपको सॉरी बोलना चाहिए मैडम, जितने लोगों ने उत्तर प्रदेश समेत भारत में बीजेपी को वोट दिया आप उनका तिरस्कार कर रही है? धर्म का मतलब जानते आप हैं? जितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया उनसे माफी मांगे, माफी मांगे मैडम, माफी मांगे, ऐसी बातें नहीं होती है। आज की सभ्य भाषा का उपयोग करें, मेरी पार्टी ने ऐसे शब्दों को उपयोग करना नहीं सिखाया मुझे। आप लोगों क्या ट्रेनिंग होती है प्रवक्ताओं को? क्या पार्टियां आपकी पार्टी क्या ये ट्रेनिंग देती है? हम तो अपने सामान्य व्यवहार में ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करते। धर्म के नाम पे नहीं मैडम, आपने ये शब्द कैसे लिया वापस लिया अपने शब्दों को? आप गुलरेश शेख साहब एक सेकंड आपका आपकी आपत्ति आपका एतराज आ गया। विभा शुक्ला जी मुझे लगता है स्वस्थ लोकतांत्रिक देश के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अपनी भाषा और शब्दों की गरिमा को भी बनाए रखना चाहिए, जिससे किसी को पर्सनली ठेस ना पहुंचे, आहत ना हो, चाहे पार्टी संगठन में कोई भी संघर्ष ना हो, ठीक है? मैं कह रही हूं धर्म का मतलब समझा रही हूं। एक सेकंड विभा शुक्ला जी मतलब है ठीक है, एक सेकंड नम्रता नारायण जी की तरफ मैं आ रहा हूँ, ठीक है? मुझे लगता है कि आगे आप लोग जो अपनी भाषा के इस्तेमाल करें उस पर जरा सा अपनी जबान को लगाने तर्कों को रखेंगे, ठीक है? नम्रता नारायण जी ठीक है, एक सेकंड। विभा शुक्ला जी एक सेकंड नम्रता नारायण जी, ये जो स्थिति बन रही है, जाहिर तौर पर सरकार तो अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, चाहे वो चुनावी मौका हो या उससे पहले हो, चुनाव आचार संहिता लगी नहीं है, सरकार तो ये कह सकते हैं साहब हमें तो कानूनी तौर पर कोई रोक नहीं सकता है, हमने किया क्या गलत किया, सभी सरकारें ऐसे करती हैं। जब्बार जी, सबसे पहली बात जो ये अभी डिस्कशन हो रहा है और जिस तरह से दोनों पार्टियां समाजवादी पार्टी और बीजेपी लड़ाई कर रही थी, हमें मौका मिला बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो मुद्दा है उस पर बात हो ही नहीं रही है, बेवजह की चीजें आ रही हैं। अपशब्द का इस्तेमाल मुझे लगता नहीं कि डिबेट में होना चाहिए, क्योंकि आप एक किसी एक मुद्दे पर बहस करना हो, ये मुद्दा क्या है? एनीवे, आज प्रधानमंत्री जी ने जो 6 लाख लोगों को के अकाउंट में पैसे दिए हैं घर बनाने के लिए आवासीय योजना के तहत है, देखिए सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि मैं तो इस मामले में अगर लोग कह रहे हैं कि चुनावी मौसम को दे, तो मैं तो सोचती हूँ कि ये चुनावी मौसम हर महीने आए,
हर महीने ऐसे मौसम आए, कम से कम जनता को तो फायदा हो रहा है। आप देखिए गांव में किस तरह से हालत है कि आपके घर में घर नहीं है, पक्की छत नहीं है, बाथरूम टॉयलेट की बात करते हैं टॉयलेट नहीं है। अगर इनको पहले किस्त है, पहले किस्त में शायद इनको 40,000 मिला होगा क्योंकि जो किस्त बनाई है सरकार ने उसके हिसाब से 40, 70 और 10 का है, तो 1,20,000 रुपए कुल मिलते हैं, कुल मिलाकर 1,20,000 है, जिसमें कि पहली किस्त होगी 40,000 की है। तो ये 40,000 से ये अपना काम शुरू करेंगे। तो मैं यही समझ रही हूँ कि कम से कम इस पैसे से कुछ तो भला होगा देश का और यूपी का भला होने लगेगा। तो ये इस मुद्दे मैडम मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ कि उज्ज्वला योजना के नाम पर फ्री गैस बांटे गए थे इस देश में जी। और आप देखिए कि गैस के दाम क्या बढ़ा दिए नरेंद्र मोदी जी ने। तो आप इस बात पे भी ध्यान दीजिए कि सरकार अपने ऑटो क्लिक किस तरीके से जनता को कुछ दिनों के लिए घुमा जी। मैं यहाँ पर ना समाजवादी पार्टी को देखिए, यहाँ पर ना मैं लेके सारी चीजें किस तरीके से पूरे देश में महंगी है। और आज प्राइमरी के जो गरीब बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं, आप सरकार जो है दारू की दुकानें खुलवाई बैठी है और प्राइमरी के जो गरीब किसान के नौजवान के जो बच्चे थे वो आज एक साल से स्कूल का मुंह नहीं देख पाए। तो आप उस सरकार की जो है असली चेहरे को पहचानिए। ये 40,000 से जनता का कल्याण नहीं होने वाला है। विभाजी शांत हो जाइए, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ सामाजिक तौर पर बात करना आई हूँ। मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में बात नहीं करना चाहती हूँ, पहली बात मैं साफ कर दूं। ना मैं समाजवादी पार्टी हूँ ना बीजेपी, मैं किसी की प्रवक्ता नहीं हूँ, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। मैं सामाजिक तौर पर बात करना आई हूँ। मैं सामाजिक तौर पर यही चाहूंगी कि समाज का भला हो, गाँव का भला हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी करे चाहे वो बीजेपी करे। आपकी सरकार ने क्या किया, जब चुनाव आते थे तो क्या करते थे, मोबाइल और टैब बांटते थे। उस मोबाइल और टैब से आपने कितना भला कर दिया जैसे ही चुनाव आता। तो देखिए ये पार्टियों का गेम है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती। मैं साफ तौर पे कहना चाहती हूँ कि समाज में भला हो यही एक मुद्दा है। और उस मुद्दे को मैं तो कहती हूँ भाई डेली आ जाए ना मैडम, मैं डेली कहती हूँ डेली हर हर हफ्ते चुनाव हो, कम से कम लोगों का तो भला होगा, वोट की लालच में सही है। मेरी बात को सुन लीजिए मैडम, उससे गरीब किसान नौजवान के बच्चों जो कभी लैपटॉप और मोबाइल का मुंह नहीं देखे थे, अरे मैडम लैपटॉप पहुंच गया, उन्होंने लैपटॉप पे पढ़ा। आपको पता है उस लैपटॉप का क्या हाल हुआ है? आपको पता है आप कितने गांव में गई हैं मैडम? मैं आपसे पूछूं कितने गांव में चक्कर काटी हैं आप? मैं गांव में चक्कर काटती हूँ, मैं जाती हूँ गांव में जाकर के देखती हूँ कि क्या हालत है उस लैपटॉप का। जाके देखिए कि कितनी महिलाएं हैं जो कि आप स्मार्टफोन गांव में चला सकती है। आप क्या बातें कर रही हैं? बहस मुद्दा सही तरीके से कीजिए मैडम, गाँव के चक्कर काटिए, फिर आपको पता चलेगा कि लैपटॉप का क्या स्टेटस है, मोबाइल का क्या स्टेटस है। और आज जो प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री ठीक है, ठीक है विभा शुक्ला जी एक सेकंड। मगर नम्रता जी एक सवाल लोग तो पूछ रहे हैं, वो सवाल ये है कि चाहे वो इंदिरा आवास योजना रही हो या फिर पीएम आवास योजना हो, इतना लंबा समय लग जाएगा लोगों को घर देने के लिए। कितने वर्षों से, कितने दशक हो चुके हैं इस योजना को शुरू हुए हुए, और 2015 से इस रिजीम में अब तक तो मिल जाना चाहिए था सबका। देखिए जो सरकार, क्योंकि हमारा कंसर्न किसी विशेष पार्टी या विशेष सरकार से नहीं है, हम तो जनता के मुद्दों को लेकर के सरकारों से पूछ रहे हैं। मैं पैनल को साफ कर रही हूं, सरकारों की कमी रही है ना जब्बार जी, मैं पैनल को साफ कर देती हूँ। मैं बीजेपी को रिप्रेजेंट करने नहीं आई हूँ ना उनको बचाने के लिए आई हूँ, साफ तौर पे मैं क्लियर कर अपना इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। देखिए अगर हम बीजेपी सरकार की ही बात करते हैं तो 2015 में जब ये प्रोजेक्ट आया था, स्कीम आई थी, उसके बाद से जो टारगेट सरकार ने बनाया था कि 2022 तक सभी के को मकान मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ही बात करते हैं तो करीब करीब 12 लाख लाभार्थियों के उन्होंने एक सूची बनाई थी, जिसमें कि अब तक जो है 50,000 तक को ही फायदा मिले हैं, बाकी नहीं मिला। अब 6 लाख लोगों को के अकाउंट में पैसे गए, वो भी पहली किस्त गई है। इसका मतलब नहीं कि उनकी दूसरी किस्त भी समय पे मिलेगी और लास्ट किस्त भी मिलेगी। बात ये है क्या कि आप सरकार फेल है इस मामले में, क्योंकि सरकार ने जो टारगेट बनाया था वो पूरा ही नहीं हुआ। मैं मानती हूँ चुनाव के देखते अगर उनको पैसे मिल रहे हैं, घर बनाने के पैसे मिल रहे हैं। देखिए नम्रता नारायण जी किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं, किसी पार्टी के प्रति उनका रुझान नहीं है, उनकी बातों को तो जवाब दीजिए आप।
बिल्कुल दूंगा और शांति से दूंगा और सभी भाषा में दूंगा। देखिए पहले एक बात कही जाती थी जो कहीं ना कहीं नम्रता जी ने भी कहा कि पहले ही माना जाता था कि सरकार जो होती है कि ऐसी गाय होती है जो हर 5 साल में दूध देती है। अब हमारी सरकार जो है वो दे रही है, दूध तो दे रही है, जनता को तो खुश होना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए उस चीज का। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे कांग्रेस के भाई ने भी जो एक बात कही कि मिड 80s से इंदिरा आवास योजना चल रही थी। किस प्रकार से चल रही थी आप समझिए कि अभी तक भी आवास कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन हमने कहा है कि 2022 खत्म होने से पहले सबको मिलेगा और युद्ध स्तर पर मिलेगा। हम अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। आपको लगता है कि आप 2022 तक सब लोगों को मकान देंगे? मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, 12 लाख जनता, अभी आप लोगों ने 6 लाख लोगों के अकाउंट में पहली किस्त भिजवाई है, अभी 50,000 जो आप लोगों ने टारगेट बनाया था कि फर्स्ट फेज में यानी कि 2019 तक आप लोग 2 लाख लोगों के घर बना देंगे गाँव में, लेकिन उसमें आप मुश्किल से 50,000 तक पहुंचे हैं। अगर वो भी सही तरीके से गांव में जाके देखा जाएगा तो वो भी कंप्लीट नहीं है। मैं आपको दावा देती हूँ कि आप जाइए गांव में चेक करवाइए, क्योंकि मैं गांव में जाती हूँ, मैं विजिट करती हूँ। पहली बात, मेरी बात पूरी होने दीजिए। दूसरी बात मैं कह रही हूँ कि अभी आप लोगों ने 6 लाख लोगों के अकाउंट में पैसे भिजवाए, पहली किस्त है, क्या पूरी किस्त होगी यानी कि पूरे मकान इनके बनेंगे? मकान सभी नहीं बनने, इनमें से ऐसा है कि कई मकान जो रिनोवेशन होने हैं या रिकंस्ट्रक्शन होने उसके लिए भी ये पैसा यूज हो सकता है। लेकिन क्या आप चुनाव पहला जो ये आपका पंचायती चुनाव होने जा रहा है उसके बाद क्या किस्त आराम से जो यहाँ पे बेनिफिशरीज है उनके अकाउंट में आएगा? क्योंकि ये बहुत बड़ा पेचीदा है, क्योंकि आप 4 से 6 महीने तो लेते हैं। आपका एक बहुत जेन्युइन कंसर्न है और बहुत ही ये संजीदा सवाल है, और ऐसे में इस सवाल का जवाब जाहिर तौर पर गुलेर शेख जी हां में ही करेंगे कि 2022 से पहले सबको उनका अधिकार मिल जाएगा इस योजना के प्रति। मगर हमेशा से ग्राम प्रधानों के खातों में पैसे जाते हैं, हमेशा से चाहे विधायक हो, एमएलए हो या फिर सांसद हो या फिर दूसरे माध्यम से, गांव की तो तस्वीर बदल जानी चाहिए थी। ये तस्वीरें बदलती ही नहीं है। अब जबकि चुनाव होने जा रहे हैं, एक बार फिर से ग्रामीण इलाकों के चुनाव है, पंचायती चुनाव है, ऐसे में ओंकार नाथ जी ये जो स्थिति है, ठीक है छोड़ देते हैं एक बार के लिए कि चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों के खातों में पैसे डाले हैं, ये समीक्षा इन चीजों की क्यों नहीं होती? पैसे तो ग्राम प्रधान के खातों में जाते हैं, पैसे तो सांसदों के खाते में जाते हैं, पैसे तो विधायकों के खाते में जाते हैं, मगर चूंकि बात ग्राम प्रधानों की हो रही है, जिला पंचायतों से जुड़ी हुई हो रही है, इसलिए तस्वीरें तो बदलती नहीं है साहब। 75,000 रुपए ग्राम प्रधान के लिए, एक प्रधान के लिए तय किया गया है चुनाव लड़ने के लिए, मगर वो खर्च कितना करता है? करोड़ों रुपए। जाहिर तौर पर वो करोड़ रुपए खर्च करके जब चुनाव जीत करके आता है तो फिर वो गांव की तस्वीर कैसे बदलेगा? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, चुनाव में खर्च बहुत अधिक होता है। लेकिन देखिए दो तीन चीजें हैं। कोई ये अगर कहे कि गांव में काम नहीं हुआ तो ये मैं मानने को तैयार नहीं, काम बहुत हुआ है, लेकिन काम अभी बहुत होना भी बाकी। अब ये भाजपा की अपनी स्टाइल है कि वो ऐसा शो करती है जैसे सब कुछ वही कर रही है। 2014 में आपको याद होगा जब इनकी सरकार बनी थी तो प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि 18,000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची। अरे आप जानते हैं हर योजना के हिसाब से काम होता है, 6 लाख गांव हैं और 18,000 नहीं पहुंची तो उसमें कहा, और 6 साल से इनकी सरकार है अभी तक उन 18,000 में बिजली पूरी नहीं हो पाई, ये नहीं बता पाई कि सब गांव में बिजली पूरी हो गई। तो ये काम होते रहते हैं और ये धीरे धीरे काम आगे बढ़ते हैं, कोई एक दिन में चाहे कर दे तो नहीं हो सकता है। और ये एक किस्त दे देने से अगर ये सरकार समझ रही है कि हम इससे चुनाव जीत लेंगे, ओंकार बलिहारी है। ओंकार जी एक छोटा सा सवाल है, मैं भी ग्रामीण इलाके से आता हूं, मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके से ही हूं, इसलिए मुझे भी स्थितियां गांव की पता है बेहतर तरीके से, कैसे जमीनी स्तर पर काम होता है, यहां तक कि कई बार पार्टी स्तर पर अगर प्रधान को वोट नहीं दिया किसी मोहल्ले के लोगों ने उस तरफ वो काम तक नहीं कराता, और ये सब पूरे देश का ऐसा ही खेल है, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं। मेरा सवाल इस बात का, मेरा सवाल इस बात का है ओंकार जी कि आप अब तो 6 सालों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, लोगों को घर देने की योजना पीएम आवास के तहत जो पूरी नहीं की गई आपको लगता है, लेकिन उनका तो टारगेट 2022 का है। अगर इंदिरा आवास के तहत एक मकान दिए जा रहे थे जैसा कि आप कह रहे हैं और ये बात सच भी है, तो अब तक तो सब कुछ पूरा हो जाना चाहिए था। बीजेपी के तो खाते में किसी गरीब को घर देने के लिए मौका ही नहीं होना चाहिए था।
यही अगर तो आपकी सरकार पूरा कर चुकी होती, केंद्र की सरकार। अरे सर मेरी बात सुनेंगे या आप ही बोलते रहेंगे? ये लोग ये बहुत जल्दी पीठ ठोक लेते हैं कि मैं इसको इस समय खत्म कर दूंगा। अरे कैसे खत्म कर लेंगे आप? पहले जनसंख्या पे तो कंट्रोल कीजिए। जनसंख्या पे आप कंट्रोल नहीं करेंगे। ओंकार जी, ओंकार जी, ओंकार जी, आपको बड़ी आपने बड़ी चतुराई से उस सवाल को डाल दिया। आपने बड़ी चतुराई से उस सवाल को डाल दिया। बताइए पहले काम की बात, चीजों को नहीं। आप सुन लीजिए, हर योजना हर चीज का एक देश में 50 योजनाएं चल रही होती है और हर योजना का एक टारगेट होता है ईयर वाइज कि हम इतना पैसा इस पे खर्च करेंगे। आप बजट करते नहीं करते? या आप सारा पैसा खाली स्वास्थ्य में दे देते हैं या रक्षा में दे देते हैं या होम में दे देते हैं या मेडिकल में दे देते हैं कि मतलब या इरिगेशन में दे देते हैं? आप अलग अलग बजट करते हैं ना। हर बजट का एक सिस्टम होता है, उसके हिसाब से काम चल रहा होता है। ये भी नहीं कर पाएंगे 2022 तक, लेकिन हल्ला बहुत करते हैं और इस हल्ला करने से ये समझते हैं कि इनका बड़ा अच्छा काम हो रहा है। अब पब्लिक समझ गई है और अब पब्लिक हंसने लगी है इनके ऊपर। इसलिए आप देखते रहिए जो ये कह रहे हैं, ये कोई केंद्र की अकेली योजना नहीं है, ये केंद्र और राज्य सरकार की मिली योजना है। 75% 80% केंद्र का होता है और 20% राज्य सरकार का होता है। ये दोनों लोग मिलकर देते हैं। इन्होंने अगर एक किस्त दे दी, अब राज्य सरकार ने कितना दिया पता क्या? इन्होंने राज्य सरकार ने कितने पैसे खर्च किए? आप कोई पैसा उनको अतिरिक्त देते नहीं है। किसान का कर्ज माफ करने की योजना उन्होंने बना दी इलेक्शन के अंदर और उसके बाद आपने एक पैसा नहीं दिया तो वो कहाँ से देंगे? इन्हीं कटौतियों में से तो खर्च करते हैं, इन्हीं में से कटौती करते हैं, इन्हीं मदों में से, और फिर वो अपना काम आगे करते हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हम किसी की आलोचना तब करते हैं जब आज आलोचना क्यों की जा रही है? किसान दिल्ली में पड़ा हुआ इस जाड़े में सर्दी में मर रहा है। नहीं तो कोई आंकड़ा तो होगा ना आपके पास में कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितने लोगों को मकान मिल जाना चाहिए था इस योजना के तहत जो नहीं हो सका? क्योंकि अब मैं इसी सवाल को ओंकार नाथ जी की तरफ जो मैं ले गया था, गुलेश शेख जी आपको आवाज आ रही सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल ये कि महत्वपूर्ण चार स्टेप होते हैं, पूछा जाए प्लीज। विभाजी मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। गुलेश शेख जी, चार स्टेज होते हैं, योजना का बनना और उसके बाद में बजट आवंटित होना, वो पैसा रिलीज किया जाना और काम शुरू होना और उसकी समीक्षा होना, कितना काम हो गया उस समय के अंदर। क्या समीक्षा की कमी रह जाती है कि साहब हमने योजना बना दी, बजट दे दिया लेकिन काम तो हुआ नहीं जमीन स्तर पर? ये दिक्कत आती कहां पर है और उस दिक्कत का समाधान तो सरकार के पास है ना? बड़ा खुला जवाब दूंगा, स्पष्ट जवाब दूंगा। यह जो काम अभी हो रहा है लगभग एक साल पहले ही पूर्ण हो जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से जो बहुत सारा फंड, बहुत सारी जो हमारा ध्यान था वो कोरोना के कंट्रोल पर गया, लेकिन फिर भी हम अपनी बातों से कांग्रेस की तरह पलट नहीं सके। आप अपने बीजेपी के मंत्रियों के विभाजी एक बार इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। कोरोना काल में आप देख लीजिएगा, थोड़ा सुन लीजिए, मैं नहीं सुन रहा तो ठीक है। कोई सैनिटाइजर के नाम पर, विभाजी एक बार सुन लीजिए गुलेश शेख जी को, कोई वैक्सीन के नाम पर, कोई जो है बांटने के नाम पर, कितने पैसे की बंदरबांट, कितना लूट लिया खजाना पूरे देश का। जरा आप अपने अपने मंत्रियों के खातों को चेक करिए, इस काल में कितना बड़ा है। टोटी टोटी का है, टोटी टोटी। अरे भाई क्यों चिल्ला रहे हैं, खाते चेक करिए भाई, बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ। अरे भाई खाते चेक करिए, टोटी जो है प्रधानमंत्री आवास में, क्या कहते हैं योगी जी के पास रुकी है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, आप मुख्यमंत्री आवास में रोटी शेख जी से पूछा था, योगी जी के, योगी जी की कुर्सी के पीछे तो नहीं है? विभाजी आप उनको बोलने नहीं दे रही हैं। देखिए आमतौर पर ये बीजेपी के प्रवक्ताओं पर आरोप लगता है कि साहब वो बोलने नहीं देते हैं, आज आप बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर बिहेव कर रही हैं जैसा कि आप लोग आरोप लगाते हैं। गुलेश शेख जी रखिएगा बात, क्या प्रश्न क्या था आपका, भूल गया हूं चक्कर में। जी सवाल ये था कि आखिर क्या समीक्षा में सरकारें कमी कर जाती हैं कि हमने जो योजना बनाई है उसके लिए पैसा रिलीज कर दिया है, काम भी शुरू हो चुका है या शुरू नहीं हुआ है, वो दिक्कत कहां पर आ रही है? जब्बार जी मैंने बड़ा स्पष्ट कहा आपको कि यह जो काम आज हो रहा है ये एक वर्ष पूर्व पहले हो जाना था और हाफ स्टेज से ज्यादा क्रॉस कर लेनी थी, लेकिन देश में कोरोना आया, उसकी वजह से बहुत सारी समस्या आई तो सरकार का ध्यान भी गया और फंडिंग भी उस तरफ गई, लेकिन अब वो 2022 तक युद्ध स्तर पर करके हम टाइम फ्रेम को बढ़ाएंगे नहीं।
थी उसमें कंप्लीट करेंगे, और इसके दो लाभ हो रहे हैं, लोगों को घर तो मिल रहा है और साथ ही साथ जो इकोनॉमी में लिक्विडिटी की कमी है, तरलता की कमी है, वह भी हो रही है, तो इससे जीडीपी भी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोगों को छत भी मिलेगी और हमारा वायदा भी समय पर पूरा होगा 2022 के। विभा जी अपनी बात आप रख दीजिए, उनका जवाब पूरा हो गया। अच्छा टोटी के बारे में बता देना मैडम। गुलरेज जी आप उनको क्यों आप उनको उनको उस रग पर आप क्यों छेड़ रहे हैं जिसकी बुनियाद पर वो भी आपके ऊपर कुछ ऐसी ही बातें करेंगे, ऐसी टिप्पणी करेंगे, फिर आप दोनों के बीच में वन टू वन हो जाएगा। ठीक है ठीक है। विभा शुक्ला जी आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है कि विभा शुक्ला जी का फ्रेम फ्रीज इस वक्त है। नम्रता जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी अभी मैं बात करूंगी बीजेपी प्रवक्ता जी से। देखिए जो इस समस्या है इसमें अभी उन्होंने जवाब सही से नहीं दिया है, जो समस्या है वो नोट करने वाली है। इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो अप्रूवल है, वो 4 से 6 महीने लगते हैं। 4 से 6 महीने जो गांव के लोग हैं वो चक्कर काटने में ही, आपको पता होगा कि गांव में आप जो आपके ग्राम सभा है, ग्राम सभा से आगे ब्लॉक तक पहुंचते पहुंचते एक ग्रामीण के लिए कितनी बड़ी समस्या है। दूसरी बात, ये जो प्रोजेक्ट है वो पब्लिक पार्टनरशिप पे जा रही है तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ है क्या कि इस प्रोजेक्ट में मैं थोड़ा सा हटूंगी, अगर हम अर्बन क्षेत्र की बात करते हैं क्योंकि इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए भी ये प्रोजेक्ट है, तो ये वैसी जगह पे अलॉटेड है जो ज़मीनें हैं जो कि आउटस्कर्ट्स में यानी कि शहर के बाहरी इलाके में है, जिसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिशरीज हैं जो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पर अभी कोई बहस नहीं, बस एक मैसेज देना चाहूँगी इसलिए क्योंकि यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है सरकार को, क्योंकि आप इतने बाहरी इलाके में करोगे तो जो मजदूर है वो वहाँ अगर घर बनाता है तो उसके लिए वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, दिक्कत की प्रॉब्लम है, तो ये वाली प्रॉब्लम देखिए आप क्योंकि आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर एक चैनल पर, एक इतने बड़े चैनल पर बैठ करके, तो मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ जो कि आप सरकार से डिस्कस करें कि नम्रता जी मैं एक और चीज समझना चाह रहा हूँ जी। के बार बार जब से केंद्र में या फिर इस बीच में पिछले कुछ 5-6 सालों से बीजेपी की सरकार आई है कि साहब पहले जो पैसे जाते थे राजीव गांधी की एक बात को कोट करके वो लोग कहते हैं, मगर बिल्कुल। क्या वो स्थितियां बदल गई हैं? हाँ, थोड़ी सी जो बदली है। किसान सम्मान निधि के पैसे आए प्रदेशों के अंदर कैसे शौचालय बनवाने के लिए जो पैसे आए कैसे उसके साथ में बंदरबाज हुआ, सवाल क्या वो स्थितियां बदल गई है? इस मामले में मैं इस सरकार की तारीफ करूं क्योंकि आपने डीबीटी के थ्रू यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट में पैसे गए हैं इस क्योंकि पहले जब आप ग्राम आपके जो पंचायत अध्यक्ष होते थे उनके अकाउंट में पैसे जाते थे, ब्लॉक में जाते थे, कई सारे चैनल से जहां पैसे जाते थे उससे किसी जो भी बेनिफिशियरी उसके अकाउंट में उसे पैसे लेने में प्रॉब्लम आती थी। अब जो है डीबीटी के थ्रू पैसे जा रहे हैं, उनके अकाउंट में डायरेक्ट जा रहे हैं, आधार लिंक्ड है, यहाँ पे एक फेयर डीलिंग है, लेकिन यहाँ पर तो चैलेंजेस ये है कि वो कितने दिनों में आते हैं, किस तरीके से आते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, किसी गाँव का ग्राम प्रधान अगर पैसे निकलवाने के लिए जाता है बीडीओ के पास में, एक सिस्टम बना हुआ है, कमीशन का सिस्टम है, वो पैसा उसके अकाउंट में आएगा अपने गांव का काम कराने के लिए, लेकिन वो चढ़ावा पहले वहां चढ़ाना पड़ता है। क्या ये स्थिति बदल गई है? इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी क्योंकि इस पर विभाजी क्योंकि हर सरकार में इतनी आसानी से काम नहीं होता चाहे वो कोई भी। ठीक है ओंकार जी जो कांड आया है जी, मेरठ में जो कांड आया है उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अमीर लोग जो है उन्होंने गरीबों के पैसों को ले लिया है और वहां के ऑफिस के लोगों से मिलके, और जो गरीब है बेचारे आज भी वहां छप्पर पे रह रहे हैं। आप इसकी जांच करा लीजिए, देखिए वहां के एटीएम ने बकायदा उस पर इंक्वायरी सेटअप की है। ऐसे ही हमीरपुर जी, ओंकार जी की बातें पूरी हो जाए, 18 लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी रकम गायब कर दी गई। आप बीजो पे इंक्वायरी आप सेटअप कर रहे हो, सब कुछ जांच कर रहे हो, अलग बात है, लेकिन आप जो ये जो भ्रष्टाचार है इसे कैसे रोक पाओगे, कैसे खत्म करोगे? आप भ्रष्टाचार की बात अगर कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कहीं से भी नीचे से भी है। गुलरेज जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, मगर इसी में इसी सवाल में नम्रता जी की बातों को देखिए, इस मामले में मैं कहूंगी कि देखिए हर
हर पार्टी के मुकाबले में हम अधिकार है जवाब देना है। ये प्रधानमंत्री की बात नहीं है, ठीक है, बात है। देखिए तो ये तो है कि आप लेवल वाइज जो करप्शन चल रहा है उसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं, सभी लोग जिम्मेदार हैं। एक सेकंड, इसी सवाल में विभा शुक्ला जी को जोड़ना चाह रही हूँ, उसके बाद में गुलरेश जी आपकी तरफ आ रहा हूँ। विभा जी अपनी बात रखें आप। देखिए सबसे पहली बात मैडम कह रही कि प्रधानमंत्री जी को उससे जोड़ा नहीं जा सकता। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को तो, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत ही सम्मानित पद है, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी को जरूर जोड़ूंगी। जिस तरीके से कोरोना काल में देश में भ्रष्टाचार फैला है वो पूरी देश में, और हर एक ग्रामीण और जो गरीब नौजवान घर के गरीब बच्चे थे उन्होंने महसूस किया कि रेलगाड़ी बंद कर दी गई और उनको पैदल चलना पड़ा। उनकी गर्भवती स्त्रियों का जो क्या कहते हैं बच्चे हैं सड़कों पे पैदा हो, यही मैडम एक तरीके से जवाब करिए मैडम। ये भ्रष्टाचार तो नहीं है तो क्या है आप बताइए। एक बार प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि 8 बजे बंद तो बंद, पूरी रेल पूरी बसें पूरी गाड़ियां, पूरे देश की जनता को कितना कष्ट देना पड़ा आपने सोचा कभी? मैं विभा जी को जवाब देना, विभा जी, विभा जी प्लीज, ठीक है विभा जी, आप सवाल का जवाब सुनिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति जाहिर तौर पर ठीक है, चुनावी मंच नहीं, थोड़ा सा इसको डिस्कशन के तौर पर ले चलते हैं आगे। ठीक है, ये सुनती नहीं है भाई, बोलती है। ठीक है विभा जी, विभा जी ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है ठीक है, नम्रता जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। गुलरेश शेख जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, कई सारे सवाल एक साथ है जिसका जवाब आपको देना। एक सवाल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो जाए, चाहे बीजेपी कोई भी पार्टी, एक बात बताइए। ए विभा जी प्लीज आप ही बोलिए भाई, सभी लोग चले जाते हैं, आप ही बोलिए, सभी लोग चले जाते हैं। इनको बोलने दे को। अरे मैडम थोड़ा सा समझदारी वाला भी दो बात पूछ लीजिए। अरे दो मिनट दे दीजिए मैडम, एक मिनट। आपने एक सेकंड गुलरेश ऐसे ही बैठ जाते हैं, आप इस बोलिए, आप समझदारी की बात करिए इसमें मैडम। आप हो गया, और भी कुछ है तो बोल दीजिए। चलिए नम्रता जी जल्दी से बताइए। ठीक है विभा जी हो गया, देखिए हो गया, वक्त जाया हो रहा है, आप एक बात को रिपीट कर रही है। नम्रता जी इसका जवाब दे दें, मैं गुलरेश जी आपकी तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, आपने एक सवाल किया कि कोरोना काल में जो हमारे लेबर साथी थे वो पैदल गए, उनके लिए ट्रेन नहीं थी, बसेस नहीं थी। मैं किसी पार्टी की तारीफ फिर नहीं कर रही हूँ, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ। एक सवाल, सीए जब हुआ तो उनके लिए खाना पहुंच रहा था जो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज किसान है उनके लिए सारी सुविधाएं मौजूद है। इन मजदूरों के लिए कोई भी पार्टी क्यों नहीं उस समय आई, क्यों नहीं फंडिंग हुई? मेरे दिमाग में ये हमेशा आता है सवाल कि बेचारे मजदूर थे, उनका कोई सपोर्ट नहीं था। जनता को भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन इस अंदाज में किया जाना चाहिए, उनको करना चाहिए। मगर एक सेकंड, ठीक है गुलरेश शेख जी, गुलरेश शेख जी आपने कई सारे सवाल एक साथ सुने, विभा जी की आवाज थोड़ा कम की जाए, विभा जी की आवाज थोड़ी कम की जाए। गुलरेश शेख जी कई सारे सवाल आपकी तरफ आए, ओंकार नाथ जी ने आप पर सवाल उठाया, विभा शुक्ला जी ने आप पर सवाल उठाया, और नम्रता जी ने भी आप पर सवाल उठाया। उसी में मेरा सवाल यह भी है कि क्या आपदा में अवसर आपकी पार्टी ने ढूंढ लिया, जैसा कि ये लोग आरोप लगा रहे, जैसा कि विपक्षी पार्टी ने ये बार बार ये आरोप लगाया है कि नारा दिया गया आपदा में अवसर का और बीजेपी ने ढूंढ लिया। जब्बार भाई सर सुन लीजिए मेरी बात, जहां तक ओंकार जी ने एक बात कही थी कि भ्रष्टाचार वाली, देखिए भ्रष्टाचार होता है लेकिन इंक्वायरी भी हम ही बिठाते हैं, सजा भी हम देते हैं। आप ये मुझे बताइए कि इसके पहले आपने कब ऐसा देखा जो उत्तर प्रदेश में हुआ? ये तो हिस्टोरिकल हुआ कि सजा के तौर पर अधिकारियों को चपड़ासी बना दिया गया। तो सरकार काम कर रही है, जिसको जहां नापना है उसको नाप भी रही है ताकि कानून का इकबाल हो। हमारा काम यही है कि कानून का इकबाल बुलंद करे, वह हम कर रहे हैं। देखिए भ्रष्टाचार है, मैं नहीं बोलता, लेकिन भ्रष्टाचार से निपटा भी जा रहा है और अच्छी तरह से निपटा जा रहा है, इस प्रकार से कि दिख भी रहा है, काम भी हो रहा है। दूसरी बात, जहां तक अभी इसकी बात थी कि जो मजदूर पलायन किए थे पैदल पे बेचारे, हमको भी देखकर आंसू आते थे, लेकिन आप ये भी समझिए कि एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस भारत में आई थी कोरोना की, और उससे भारत सरकार बहुत अच्छी तरह से निपटी। चलिए ठीक है, हमने इस पर बहुत डिबेट्स की हैं, हम लोगों ने इस पर आपने बहुत चर्चाएं की, लेकिन हम किसी और दिन इस पर आएंगे। आज का जो मुद्दा है, मेरा एक सवाल है कि बिहार के अंदर चुनाव हो गया, हैदराबाद में निकाय के चुनाव हो गए,
अलग अलग जगहों पर चुनाव हो गया, ये उत्तर प्रदेश में इतना डिले क्यों कर दिया गया? वक्त तो खत्म हो चुका है, दिसंबर महीने में प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, ये चुनाव की तारीखें कब आएंगी? मार्च महीने में ठीक है, माना ऐसा जा रहा है कि मार्च महीने में हो सकते हैं, मगर इतना डिले क्यों? देखिए, ये तो चुनाव आयोग को करना है ना, इसका मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मध्य प्रदेश की भी स्थिति वही है कि नगर निगम के चुनाव होने हैं, अभी जब चुनाव आयोग करेगा कुछ उपचुनाव होने हैं, इसका भी ऐलान चुनाव आयोग को करना है। तो कैसे वो इसी बात का तो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि सरकारें नहीं चाहती है कि जब तक चुनाव ना हो तब तक चुनाव आयोग चुनाव ही नहीं करा रहा, इसी बात का तो आरोप लगा रहे हैं। ये लोग तो कोर्ट पर भी आरोप लगाते हैं, ये लोग तो हर चीज पर आरोप लगाते हैं, तो इनको आरोप लगाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता इनको सीरियसली नहीं लेती, जनता इनको रोज जूते मार रही है। भूपेश शेख जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई ग्राम प्रधानों की तरफ से कि साहब हमारा कार्यकाल खत्म हो चुका है और ऐसे में जो राइट्स हमारे हैं, जो अधिकार हैं, वो छीन करके प्रमुख जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी उनके हाथों में दे दिया गया। अरे साहब, चुनाव नहीं हो चुका, सरकार या चुनाव आयोग की गलती है, हमारे अधिकारों को क्यों छीना गया है? तो ये सवाल तो ग्राम प्रधान से लेकर के गांव की जनता तो पूछेगी ना आपसे। देखिए जब्बार जी, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों सांवैधानिक बॉडीज हैं और सांवैधानिक बॉडीज के विषय पर टिप्पणी करने का अधिकार कोर्ट को होता है, क्योंकि संविधान की जो जुरिडिक्शन होता है वो वही करती है। इसलिए आप सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सैद्धांतिक तौर पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर इसमें फैक्चुअली जमीनी स्तर पर क्या काम कर रहा है ओंकारनाथ जी? ओंकारनाथ जी जी, चुनाव तो बिहार में भी हो गए, अलग अलग जगहों पर हुए हैं, लेकिन पार्लियामेंट के सेशन के लिए ही कोरोना है, उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव के लिए ही कोरोना है। ये तो सरकार की अपनी स्टाइल है, बताया ना कि ये हर काम अपना जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। ये बंगाल में इसमें मीटिंग कर रहे हैं, वहां पर कोरोना नहीं है, लेकिन बाहर कहीं अगर दूसरा विपक्षी भी मीटिंग करेगा तो उसके लिए कोरोना है। हर चीज को इन्होंने कोरोना से जोड़ के रख दिया है। खैर, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, चुनाव पहले हो जाने चाहिए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार ने डिले किया, सरकार जान रही थी कि इसमें वो अब की हारेगी, इसलिए जो कुछ भी इसको व्यवस्था करनी थी करके ये जा रहे मैदान में। लेकिन जो किसानों का रोष है और जिस तरह से किसान नाराज है, जिला पंचायत के चुनाव में इनको उसका असर दिखेगा और इनको अंदाज लगेगा कि ये कहाँ पे खड़े हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, गुलेज भाई से एक बात और कहना चाहता हूँ, जो बार बार वो कह रहे थे शुरू में अपने भाषण में कि माफी मांगिए इतने लोगों ने चुना है। मित्र, जब कांग्रेस की सरकार थी 1954-55 में, उस समय तो विपक्ष था ही नहीं, लेकिन विपक्ष के अटल बिहारी वाजपेयी जी जितनी आलोचना करते थे और जितना समय उनको मिलता था, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं, लेकिन सर सभी भाषा में जितने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल, कभी नहीं लागी, अभी भाषा की मर्यादा पूरी पैनल से पूछती है, मेरी बात सुन लीजिए, कांग्रेस का हो सकता है मत वैसा ही हो, लेकिन भाषा की मर्यादा नहीं लागनी चाहिए। वो ओंकार जी को भी मैं साधुवाद सुनता हूँ, ओंकार जी ने पूरे मेरे भाई साहब आपने भी भाषा की मर्यादा नहीं लागी है, आपको साधुवाद है, लेकिन मैडम ने लागिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं कह रहा डॉक्टर राघवी, मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए पूरी बात ना, जब हम कोई बात बोलते हो तो हम आपसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं, हमने दुनिया देखी हुई है, हमारे मुकाबले में आपने नहीं देखी होगी, तो इसलिए कह रहा हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिस अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे पंडित नेहरू के लिए, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रामनारायण जी जो इंदिरा जी के लिए करते थे, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग कभी जवाब नहीं देते थे, बोलते नहीं थे। आप तो इस समय सरकार में हो, विपक्ष की बात सुनो, एक कान से दूसरे कान से निकाल दो, जो समझते हो कि ये गलत है या हमको इसको सुधार करना चाहिए उसको सुधारो, यही आपका बड़प्पन है। और जब तक आप इसको नहीं सीखोगे, सरकार भले ही आप जीत जाओ लेकिन जनता का दिल नहीं जीत पाओगे। ओंकार जी कितना सुने आपको, ये बताइए, नीच कोई बोलेगा, कोई नीची जाति का बोलेगा, कोई चाय वाला बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई मौत का सौदागर बोलेगा, कब तक सुनेंगे आप? अच्छा लगता है कि ऐसे शब्दावली का उपयोग करना? आप राहुल गांधी को हम राजीव गांधी को तो नहीं बोलते ना कि नरसंहार करा दिया उन्होंने दिल्ली में, हम तो नहीं कहेंगे। आप बताओ ना, आप राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं, कुछ बोलते हैं? हम नहीं बोलते भाई, आप बोलो, आप बोलने के लिए आपको मना नहीं कर सकते, यू आर फ्री। लेकिन इसके लिए हम नहीं बोलते सर, हम नहीं बोलते, चीजों लोग बोलते हैं, लोगों का मुंह नहीं पकड़ सकते। आप बताइए हमारे किस प्रवक्ता ने पप्पू बोला उनको? चलिए ठीक है, चूंकि हम लोग चर्चा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में है, इसलिए आखिरी कमेंट के तौर पर विभा शुक्ला जी,
क्योंकि आप जब बोलती हैं तो लगातार नॉन स्टॉप आपने अपनी बातें रखी है। अब आखिरी कमेंट के तौर पर ऐसी स्थिति में देखिए, बीजेपी तो चुनाव को लेकर के बहुत संजीदा है, अपने अलग अलग मंत्रियों और नेताओं को उसने लगा दिया क्योंकि ग्रामीण स्तर पर गांव के स्तर पर बीजेपी को अपना संगठन मजबूत और करना है। विपक्षी पार्टियों का उनकी वो तैयारी क्या दिख रही है आपको लगता है बीजेपी के मुकाबले? मैं एक चीज कहना चाहूंगी, बीजेपी भले चुनाव के प्रति संजीदा हो लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा देश और उत्तर प्रदेश की जनता के हितों के लिए संजीदा और हमेशा जनता के हितों के लिए लड़ते रहेंगे और हम हमेशा मरते रहेंगे। हम लाल टोपी वाले लोग हैं, हमेशा जनता के लिए काम करते रहेंगे, नौजवान किसान बेरोजगार के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। 15 अगस्त को हम अपनी उसी किसान समर्थन में फिर से एक महत्वपूर्ण रैली हर तहसील स्तर पर लगाएंगे जिसमें सरकार चले। ठीक है ओंकार नाथ जी, एक आखिरी कमेंट। जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में जबकि बीजेपी के सामने किसानों का आंदोलन और इस आंदोलन का क्या ग्रामीण स्तर पर कोई नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा, क्या किसान उनके खिलाफ में जाएंगे, ये सारी ऐसी स्थिति है। कांग्रेस पार्टी इस बीच में क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव तो इस बार बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, किस तौर पर रणनीति बना रही है, कैसे आप लोग उतर रहे हैं चुनाव में, खासतौर पर पंचायती चुनाव को लेकर? कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतर रही है और बाकायदे संगठन पर पूरी तरह से काम हो रहा है। हमारी प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी जिले जिले का दौरा कर रहे हैं, प्रियंका जी वहीं से बाकायदे उसका चुनाव में आप नतीजा किस तौर पर दिखाएगा नम्रता जी, जाहिर तौर पर हम पूरी ताकत, जाहिर तौर पर सरकार की जनता के लिए होती है मगर वो योजनाएं हमेशा हर चुनाव तक लटका करके रखी जाती है कि साहब चुनाव के पहले ही उनका जो एक चटकारा है, उनका जो एक तड़का है वो दिया जाए ताकि जनता आकर्षित हो। क्या ये एक एक एक, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जनता के प्रति जो काम किया जाए उसके लिए सूट करता है या इसको थोड़ा विकास के ऊपर ही सब कुछ होना चाहिए? देखिए, ये सवाल आपने बहुत संवेदनशील किए हैं। जनता हमेशा उम्मीद करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजती है इसलिए क्योंकि वो उनके लिए कुछ करेगा। आपको सत्ता मिलता है, आपको कुर्सी मिलती है, आप ठंडे बस्ते में उस सारे स्कीम्स को रख देते हैं जो वेलफेयर के लिए होता है। उसके बाद जब चुनाव आता है तो फिर आप उसको नॉकिंग शुरू कर देते हो, जैसा कि फिलहाल अभी दिख रहा है। कुछ ना कुछ, मैं सभी पार्टी से यही कहूँगी कि जनता जब आपको वोट देती है तो बहुत उम्मीद से देती है और उस उम्मीद को कायम रखने की ज़रूरत है। आप 100% नहीं तो कम से कम 70% भी कीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए वो ग्राउंड पर दिखे। किसी भी पार्टी किसी भी स्कीम में 100% तो छोड़िए, 50% भी सही तरीके से नहीं पहुंच रही है। आप पूरा का पूरा डाटा उठा करके देख लीजिए। तो यही है कि अगर आप देश के विकास की बात करेंगे तो देश में अगर विकास होगा तो विकास दिखेगा और जनता उसी पार्टी को चुनेगी जो विकास करेगी। चलिए, और इसी नोट के साथ में मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर मुझे रोकना पड़ रहा, मैं आ नहीं सका। गुलरेश शेख जी, आपकी तरफ आखिरी कमेंट के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, गुलरेश शेख जी आपका, नम्रता नारायण जी आपका और विभा शुक्ला जी आपका, नाथ सिंह जी आपका, आप सभी लोगों ने वक्त निकाला। सवाल इस बात का है कि पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, सरकार जनता के हितों से है, खासतौर पर जनता के उन लोगों से जो पंक्ति में आखिर में खड़े हुए हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए दावे हर पार्टी हर सरकारें करती हैं, उम्मीद ये करते हैं कि वो दावे जमीनी स्तर पर हकीकत में सामने पूर्ण रूप से जल्द ही आने शुरू हो जाएंगे। आज की चर्चा में इतना ही, आप देखते रहिए।